नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, विवेकानंद क्लासेस उदयपुर से मैं डॉक्टर भावना शर्मा आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ अपनी कक्षा का प्रारंभ करती हूँ। देखिए, संपूर्ण भारत में जितनी भी संस्कृत शिक्षक भर्ती संबंधी परीक्षाएं हैं उनके पाठ्यक्रम में वैदिक साहित्य नाम का टॉपिक अवश्य रूप से रहता है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत हमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद एवं वेदांग साहित्य तथा कुछ प्रमुख सूक्त जैसे कि इंद्र, अग्नि, पुरुष, विष्णु, सवित्र सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, नासदीय सूक्त इत्यादि का अध्ययन करना होता है। सामान्यतया छात्र व्याकरण में पारंगत हो जाते हैं, शिक्षण विधियों में भी पारंगत हो जाते हैं, लेकिन साहित्य का भाग अपने आप में विशिष्ट है, जिससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में किस तरह से पूछे जाएंगे यह किसी भी स्टूडेंट को स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं होता है। अतः साहित्य संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए ही मेरी कक्षाएं छात्र हित में समर्पित है। तो देखते हैं आज साहित्य क्या है, साहित्य की विषय वस्तु क्या है, साहित्य शब्द कैसे निर्मित हुआ है, साहित्य के कितने भाग हैं और साहित्य की पूरी विषय वस्तु पढ़ने के पश्चात हम वैदिक साहित्य को प्रारंभ करना चाहते हैं। तो देखिए, वैदिक साहित्य से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह सभी प्रश्न विस्तृत रूप में आपको शंका रहित समाधान करके मैं यहाँ सिखाने वाली हूँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा। देखिए, सबसे पहले हम प्रारंभ करने वाले हैं साहित्य। तो आपको मैं ये बता दूं कि साहित्य शब्द कैसे बना है। साहित्य शब्द सामान्यतया दो शब्दों के योग से बना है। सही तयो हो भाव साहित्यम, सही तयो हो भाव साहित्यम, सहित का भाव ही साहित्य है। सहित अर्थात साथ में होना, सहित का भाव ही साहित्य है। सहित शब्द का तात्पर्य है साथ में होना। तो यहाँ कौन साथ में होगा? देखिए, सामान्य सी बात है कि जब किसी ग्रंथ में शब्द एवं अर्थ दोनों ही सहित अर्थात साथ में हो तो वो दोनों मिलकर साहित्य का निर्माण करते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि किसी भी काव्य में जब शब्द एवं अर्थ दोनों चमत्कार जनक हो और दोनों साथ में रहें तो वो दोनों मिलकर साहित्य का निर्माण करते हैं। अब हम बात करेंगे कि शब्द और अर्थ से मिला हुआ साहित्य कैसा होता है एवं कितने प्रकार का होता है। तो हम बात करेंगे कि ये जो शब्द और अर्थ से निर्मित साहित्य है उसका प्रमुख उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन के साथ ही सभी प्रकार के उपदेश देना भी है। इसी कारण साहित्य इस संसार में सर्वाधिक प्रचलित है। तो हम बात करेंगे कि शब्द और अर्थ से निर्मित यह साहित्य कितने भेदों वाला है, इसकी विस्तृत विषय वस्तु क्या है। तो देखेंगे कि काल के आधार पर, काल अर्थात समय के आधार पर साहित्य के भेद हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। काल के आधार पर साहित्य भेद। देखिए, संस्कृत में दो ही काल सामान्यतया माने जाते हैं। संस्कृत में सामान्यतया दो ही काल माने जाते हैं। एक है आपका वैदिक, वैदिक काल, और एक आपका काल है लौकिक काल। तो ध्यान दीजिएगा, वैदिक और लौकिक इन दो कालों के आधार पर भी साहित्य के भी मुख्यतया दो ही भेद हैं, वैदिक साहित्य एवं लौकिक साहित्य। ध्यान दीजिएगा, काल के आधार पर साहित्य के भी दो भेद हैं, वैदिक साहित्य एवं लौकिक साहित्य। देखिए, वैदिक साहित्य में कौन-कौन सी विषय वस्तु आएगी उसकी हम चर्चा करेंगे। वैदिक साहित्य जो है उसमें सामान्यतया वेद, ब्राह्मण, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ एवं वेदांग सम्मिलित हैं। ध्यान दीजिएगा, वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ
एवं वेदांग साहित्य सम्मिलित है। देखिए यहां हमने लिखा है वेदांग, एक तरफ तो हमने लिखा है वेदांग अर्थात वेदों के अंग। वेदों के अंग छह माने गए हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। वेदों के छह अंग माने गए हैं जिन्हें सामान्य रूप से वेदांग कहा जाता है, जबकि हमारा ये जो उपनिषद है उसे वेदांत कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, उपनिषदों को हम वेदांत कहते हैं क्योंकि उपनिषद वेदों के अंतिम भाग हैं। यदि परीक्षा में हमसे पूछा जाए कि उपनिषदस्य अपर नाम किम, उपनिषद का अपर नाम क्या है या अन्य संज्ञा क्या है, तो हम बात करेंगे कि उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। अर्थात उपनिषद जो साहित्य है वो वेदों का अंतिम भाग है, क्योंकि देखिए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, उपनिषद पर आकर हमारे वैदिक साहित्य का अंत हो जाता है। अतः उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है। जबकि वेदांग हमारे छह हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। तो ये तो रहा आपका वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य का प्रारंभ वेदों से होता है, अतः निसंदेह हम कह सकते हैं कि संपूर्ण विश्व जगत का प्रथम जो ग्रंथ है वो वेद ही है। और चारों जो वेद हैं आपके, चारों वेदों में भी जो प्राचीनतम वेद है, संपूर्ण विश्व का पहला ग्रंथ जिसे हम कह सकते हैं वो आपका ऋग्वेद हो जाएगा। अच्छा, देखिए वैदिक साहित्य के पश्चात हम बात करेंगे लौकिक साहित्य की। लौकिक साहित्य का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो हम बात करेंगे कि ये जो लौकिक साहित्य है, ध्यान दीजिएगा, ये जो लौकिक साहित्य है उसका प्रारंभ होता है रामायण से। सामान्यतया छात्रों को ये लगता है कि रामायण तो बहुत प्राचीन है और बहुत प्राचीन होने के कारण वह वैदिक साहित्य के अंतर्गत जाएगा, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि आपका ये जो रामायण नामक ग्रंथ है जिसके रचयिता हैं महर्षि वाल्मीकि, तो यह जो ग्रंथ है वह आपका लौकिक साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। प्रथम को हम आदि भी कहते हैं, आपने सुना होगा। प्रथम को हम कहते हैं ना आदि, आदि अंत, आपने सुना होगा। रामायण यदि लौकिक साहित्य का प्रथम ग्रंथ है, इसी कारण रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आदि काव्य किसकी संज्ञा है, आदि काव्य से अपर नाम किम, आदि काव्य इति नामना कह अभिधीयते। तो आदि काव्य कौन है, हम बात करेंगे, आदि काव्य है आपका रामायण। आदि का तात्पर्य है प्रथम या पहला, तो हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लौकिक साहित्य का पहला और प्रथम ग्रंथ आपका रामायण है। रामायण के पश्चात हम बात करेंगे महाभारत की। रामायण के पश्चात लिखे गए महत्वपूर्ण ग्रंथों में महाभारत सम्मिलित है। इसके पश्चात हम बात करेंगे लौकिक साहित्य में पुराण ग्रंथों की। अब देखिए ये जो पुराण ग्रंथ हैं, बहुत सारे छात्र जो कि संस्कृत विषय से शिक्षक बनना चाहते हैं वह बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि पुराणों के रचयिता कौन है। तो हम ये सोचते हैं कि पुराणों के रचयिता का जिक्र तो कभी हुआ ही नहीं है, पर आप याद रखें पुराण सामान्यतया महाभारत में जितने भी आख्यान हैं या जितनी भी कथाएं हैं या जितने विशिष्ट वर्णन हैं उनको संग्रहित करके एक नवीन ग्रंथ की रचना की गई, उस नवीन ग्रंथ को ही पुराण कहा जाता है। तो पुराणों से जो विषय वस्तु निकली है, जो कथानक है, आख्यान है, जो विशिष्ट व्याख्यान है, उन सभी का संग्रह करके हमने पुराणों को बनाया है। तो पुराण कोई अलग से ग्रंथ नहीं है, वह महाभारत की विषय वस्तु से ही संग्रहित ग्रंथ है। तो जो महाभारत के रचयिता होंगे वही निसंदेह पुराणों के भी रचयिता होंगे। तो यदि किसी परीक्षा में पूछा जाए कि पुराणों के रचयिता कौन है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पुराणों के रचयिता भी वही है जो कि महाभारत के रचयिता है, अर्थात महर्षि वेद व्यास। वेद व्यास का अन्य नाम कई बार हमें कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के रूप में भी प्राप्त होता है। तो देखिए लौकिक साहित्य में सबसे पहला ग्रंथ था रामायण। रामायण को आदि काव्य कहा गया, इसी कारण वाल्मीकि को आदि कवि कहते हैं हम। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे महाभारत, तत्पश्चात हम पढ़ेंगे पुराण, और पुराण महाभारत के ही व्याख्यानों की विषय वस्तु से समाहित ग्रंथ है। इसके पश्चात हम बात करेंगे जितने भी हमारे महाकवि कालिदास,
अश्वघोष, भास इत्यादि जितने कवि हैं वो सारे कवि भी लौकिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात वर्तमान के आधुनिक कवि जैसे कि भट्ट, मथुरानाथ शास्त्री, कलानाथ शास्त्री, पद्म शास्त्री, इस प्रकार के जितने भी आधुनिक कवि हैं वो सभी भी लौकिक साहित्य के अंतर्गत समाहित होंगे। यदि आज वर्तमान में मैं भी किसी ग्रंथ की रचना करूं तो मैं भी लौकिक साहित्य या लौकिक कवि के अंतर्गत आती हूं। तो देखिए, रामायण से प्रारंभ होकर अद्यावधि जितने भी ग्रंथों की रचना हुई है वे सभी लौकिक साहित्य के अंतर्गत आएंगे। जबकि वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग ये सभी आपके वैदिक साहित्य की विषय वस्तु है। तो देखिए, साहित्य क्या है? शब्द और अर्थ से निर्मित जो समावेश है उसी से बनता है कौन? साहित्य। काल के आधार पर हमने साहित्य को दो भागों में विभक्त किया है, वैदिक साहित्य एवं लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य के अंतर्गत ये सभी विषय वस्तु आएंगी, जबकि लौकिक साहित्य का प्रारंभ रामायण से होता है। और वर्तमान समय में अथवा भविष्य में भी यदि कोई कवि कोई रचना करता है तो वे सभी रचनाएं लौकिक साहित्य के अंतर्गत आती हैं। तो चलिए, ये तो पढ़ा आपने काल के आधार पर साहित्य का विभाजन। अब हमारी आज की जो विषय वस्तु है वह है वेद। वेद कौन है? वेद शब्द कैसे बना है? वेदों की विषय वस्तु क्या है? चारों वेदों का जितने भी महत्वपूर्ण जो कि किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों का समाधान हम यहाँ करने वाले हैं। तो देखते हैं, वेद वेद क्या है? वेद संपूर्ण विश्व की प्राचीनतम ज्ञान राशि है। वेद वह ग्रंथ है जो कि संपूर्ण विश्व में सबसे पहले लिखे गए थे। और वेदों के रचयिता कौन है? सामान्यतया इस प्रकार की यदि हम बात करें तो जितने भी ऋषि मुनि हैं वे वेदों के केवल कौन है? दृष्टा हैं। वैदिक मंत्रों को देखा गया था, अर्थात कोई भी ऋषि मुनि जब साधना, तपस्या और उपासना करता है तो उस उपासना के परिणाम स्वरूप उसे ब्रह्मत्व की प्राप्ति होती है। और उस ब्रह्मत्व की प्राप्ति के परिणाम स्वरूप वह ऋषि उन मंत्रों का दृष्टा होता है, अर्थात ऋषि मंत्रों को देखता है। तो कई बार हमें ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है कि ऋषि मंत्र दृष्टारह न सृष्टारह, अर्थात जितने ऋषि हैं वो मंत्रों के दृष्टा हैं। मंत्र दृष्टारह ऋषयः, यह उल्लेख आपको प्राप्त होता है। तो चलिए हम बात करते हैं वेद की, क्या है वेद राशि। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेद शब्द कैसे बना है। तो देखिए, विद धातु में घय प्रत्यय करने पर वेद शब्द निष्पन्न होता है। विद धातु में घय प्रत्यय करने पर वेद शब्द निष्पन्न होता है। देखिए, कई बार हमसे परीक्षा में पूछा जाता है कि वेद शब्द किस धातु से बना है, तो हम कहते हैं विद धातु। लेकिन ज्ञात रहे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी छात्रों से, केवल विद धातु नहीं पूछी जाएगी, विद धातु भी चार प्रकार की है। ध्यान दीजिएगा, विद धातु भी चार प्रकार की है। एक है विद ज्ञाने, विद विचारणे विद सत्तायाम एवं विदिलरे लाभे। विद धातु भी चार प्रकार के अर्थों वाली है। तो सामान्यतया परीक्षा में हमसे यही पूछा जाएगा कि किस विद धातु से हमारा वेद शब्द निष्पन्न हुआ है। तो याद रखिएगा, विद ज्ञाने धातु से वेद शब्द की निष्पत्ति हुई है। तो हमारा प्रश्न बनेगा, वेद शब्द कह धातु, वेद शब्द में कौन सी धातु है? तो आपका चार ऑप्शन यही दिए होंगे, उसमें आपको सही करना है कि विद ज्ञाने धातु में घय प्रत्यय करने पर वेद शब्द निष्पन्न होता है। अब देखिए, वेद शब्द तो निष्पन्न हो गया, वेद की परिभाषाएं क्या है? महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर हम चर्चा करेंगे कि वेद शब्द की मुख्य परिभाषाएं क्या है।
मंत्र ब्राह्मणात्मकम् वेदः, मंत्र ब्राह्मणात्मकम् वेदः अर्थात मंत्रों और ब्राह्मणों का समूह ही वेद है। मंत्रों का समूह एवं ब्राह्मणों का समूह, ये दोनों समूह मिलकर ही क्या बनते हैं? वेद बनते हैं। वेद की ये प्रमुख परिभाषा कई ग्रंथों में प्रस्तुत की गई है। एक व्यक्ति है सायण। सायण कौन है? वेद भाष्यकार है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, 2018 संस्कृत सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया था कि निम्नांकित में से वेद भाष्यकार कौन है, तो ये जो व्यक्ति है सायण, ये वेद भाष्यकार है। इन्होंने संपूर्ण वेदों अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ एवं आरण्यक ग्रंथों पर भाष्य लिखा है। तो सर्वाधिक एवं सर्वश्रेष्ठ भाष्यकर्ता के रूप में हम सायण की चर्चा करेंगे। सायण वेद भाष्यकार हैं। सायण ने ऋग्वेद भाष्य की भूमिका में लिखा है, इष्ट प्राप्ति ही अनिष्ट परिहारयो हो, इष्ट प्राप्ति ही अनिष्ट परिहारयो हो, लौकिकम उपायम यह वेदयति सह वेदः। इष्ट प्राप्ति अर्थात जो हमारे लिए श्रेष्ठ है उसकी प्राप्ति, एवं अनिष्ट अर्थात जो हमारे लिए श्रेष्ठ नहीं है उसका परिहार अर्थात उसका त्याग करना, इष्ट की प्राप्ति एवं इष्ट का अनिष्ट का परिहार करना, इन दोनों का लौकिक उपाय जो बताता है वही वेद है। अर्थात वेद में किसी वस्तु की प्राप्ति के उपाय एवं किसी वस्तु के त्याग के अथवा परिहार के उपाय जिस ग्रंथ में बताए गए हैं वही वेद है। इसके पश्चात हम बात करेंगे महर्षि मनु की। महर्षि मनु ने मनुस्मृति में कहा है, वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेदो अखिलो धर्म मूलम अर्थात धर्म का मूल तो वेद है। किसी भी साहित्य में, किसी भी ग्रंथ में अथवा इस संसार में जितना भी धर्म का मूल बताया है वो तो वेद है। अर्थात सभी धर्म के मूल स्रोत वेद ही स्वीकार किए गए हैं। इस प्रकार ये तीन परिभाषाएं हैं जो कि स्पष्ट रूप से हमें प्राप्त होती हैं, और इन तीन परिभाषाओं के आधार पर हम वेदों को विस्तृत रूप में समझ पाते हैं। चलिए इसके पश्चात हम बात करेंगे कि संपूर्ण जो वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वेद, इनकी महत्वपूर्ण विषय वस्तु के बारे में। देखिए सामान्यतया वेद के लिए वेद त्रयी शब्द प्रयुक्त होता है, तो देखिए वर्तमान समय में वेदों की संख्या तो चार है, लेकिन वेद त्रयी शब्द क्या था? उस वेद त्रयी में कौन वेद सम्मिलित नहीं था और किस कारण सम्मिलित नहीं था, उसकी चर्चा हम यहाँ करने वाले हैं। सामान्यतया ग्रंथों में हमें वेद त्रयी शब्द मिलता है, तो यदि हमसे पूछा जाए वेद त्रयीषु कह न गण्यते अर्थात वेद त्रयी में कौन सा वेद नहीं गिना जाता, तो देखिए वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, इन चारों वेदों में से वेद त्रयी में केवल तीन वेद ही सम्मिलित किए गए हैं। ध्यान दीजिएगा वेद त्रयी में केवल तीन वेद ही सम्मिलित किए गए हैं, चतुर्थ अथर्ववेद को वेद त्रयी में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो देखिए क्या कारण है कि वेद त्रयी में अथर्ववेद की गणना नहीं की गई है, तो हम बात करेंगे कि ये तीनों के तीनों वेद अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद, ये तीनों वेद तो पारलौकिक हैं। पारलौकिक का तात्पर्य है कि यदि कोई व्यक्ति इन तीनों वेदों की उपासना करता है तो उसका परिणाम हमें परलोक में
अर्थात दूसरे जन्म में प्राप्त होता है, जबकि अपना जो अथर्व वेद है वह इहलौकिक वेद है। इहलौकिक का तात्पर्य है कि इस वेद के परिणाम इसी जन्म में हमें प्राप्त होते हैं, क्योंकि अथर्व वेद में मारण, सम्मोहन, उच्चाटन, वशीकरण एवं औषधियों का वर्णन है। किसी व्यक्ति को यदि सांप ने काट लिया तो सांप के विष उतारने का वर्णन इस अथर्व वेद में है। तो देखिए, जिस प्रकार हमें कोई बीमारी है, जिस प्रकार हमारा सर दर्द हो रहा है और सर दर्द होने पर जिस प्रकार हम गोली लेते हैं और आधे घंटे के बाद हमें परिणाम मिल जाता है कि हमारा सर दर्द बिल्कुल खत्म हो गया, उसी प्रकार से जितने भी प्रकार के जादू टोने या किसी प्रकार के विष हैं, किसी प्रकार की औषधियां हैं, उनको यदि हम लेते हैं, यदि हम उनको प्रयुक्त करते हैं तो उनके परिणाम हमें कुछ घंटों बाद या कुछ समय बाद मिल जाते हैं। तो इसी प्रकार की विषय वस्तु अथर्ववेद में भी है। किसी जादू टोने का वर्णन, किसी प्रकार की औषधि का वर्णन वो यहाँ पर है, और यदि अथर्ववेद की विषय वस्तु को हम प्रयुक्त करें तो उसके परिणाम इस लोक में प्राप्त होने वाले हैं। इस कारण इहलौकिक वेद तो केवल अथर्ववेद है, जबकि अन्य तीनों वेद पारलौकिक हैं, अर्थात ये दूसरे जन्म में परिणाम देने वाले हैं। ये तीनों एक जैसी विषय वस्तु वाले हैं, इसी कारण वेद त्रयी यह नाम प्रयुक्त होने लगा। एक अन्य कारण भी है कि इन तीनों को ही वेद त्रयी क्यों कहा गया। देखिए, ये तीनों जो वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद, ये किसी विशेष काल में लिखे गए थे, किंतु अथर्ववेद एक लंबे अंतराल के पश्चात लिखा गया। इस कारण जब तक अथर्ववेद नहीं था तब तक वेद त्रयी शब्द इन तीनों वेदों के लिए प्रयुक्त होने लगा। बहुत समय के पश्चात अथर्ववेद की रचना हुई, तब से चतुर्वेद शब्द भी आने लगा। इस कारण हम कह सकते हैं कि एक समय में लिखे जाने के कारण ही इन तीनों का नाम वेद त्रयी हो गया होगा। हमें तो परीक्षा में यही पूछा जाता है कि वेद त्रयीषु कह न गण्यते, वेद त्रयी में कौन सा वेद नहीं गिना जाता, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि वेद त्रयी में अथर्ववेद की गणना नहीं होती है। देखिए, इसके पश्चात हम बात करेंगे कि जितने भी हमारे वेद हैं उससे सामान्यतया किसी भी संस्कृत शिक्षक परीक्षा में कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, जितने भी हमारे वीडियोस हैं उनमें हम वो संपूर्ण विषय वस्तु लेकर आए हैं कि आज तक किसी भी संस्कृत परीक्षा में हमसे क्या पूछा जाता है, तो यही चर्चा हम यहाँ करने वाले हैं। देखिए, जो भी छात्र इस वीडियो को देखकर नोट्स बना रहे हैं, इसी कारण मैं बहुत सरलता से और बहुत सुव्यवस्थित लिख रही हूँ ताकि वे अपनी विषय वस्तु को स्पष्ट रूप से लिख पाए। ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं वेदों की। सामान्यतया हमें ये पता है कि जो वेद हैं वो बहुत ही मोटे से ग्रंथ हैं, लेकिन किस ग्रंथ के अंदर वाली स्टोरी क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या है, उस ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, वह स्पष्ट रूप से एक शब्द में हमें नहीं पता है। तो मैं चाहती हूँ कि संस्कृत शिक्षक होने के नाते प्रत्येक छात्र को ये पता चलना चाहिए कि ऋग्वेद के पुस्तक के अंदर क्या भाव है या ऋग्वेद की पुस्तक हमसे क्या कहना चाहती है। इसी प्रकार यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद की पुस्तकों के अंदर की विषय वस्तु क्या है, उनकी क्या कथा है। तो देखिए, एक एक शब्द में हम बात करेंगे। जो ऋग्वेद है आपके, सबसे पहले नाम लिख देंगे हम, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद का जो ग्रंथ है उसके अंदर क्या लिखा होगा, ऋग्वेद का जो ग्रंथ है उसके अंदर की विषय वस्तु क्या होगी, तो हम बात करते हैं। देखिए, जितने भी छात्र हैं संपूर्ण भारत में उनकी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने जब स्नातक किया है अर्थात बीए की डिग्री जब ली है, तो उस बीए अथवा स्नातक के पाठ्यक्रम में कहीं ना कहीं इंद्र सूक्त, अग्नि सूक्त, विष्णु सूक्त, इस प्रकार की विषय वस्तु का समावेश अवश्य रहा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमने जो इंद्र, अग्नि, विष्णु इत्यादि सूक्त पढ़े हैं वो ऋग्वेद से ही पढ़े हैं,
अर्थात हमने ऋग्वेद के कुछ अंशों को पहले पढ़ लिया है। तो याद रखिए, हमने ऋग्वेद में जो देवताओं की स्तुति पढ़ी वही ऋग्वेद की विषय वस्तु है। तो हम बात करेंगे कि ऋग्वेद में देवताओं के स्तुति परक मंत्र हैं। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में देवताओं के स्तुति परक मंत्र हैं, ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियां की गई हैं, या ऋग्वेद में देवताओं की उपासना वर्णित है, कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी ऑप्शन परीक्षा में आएगा। किंतु आपको इतना सा याद रखना है कि जितने भी हमारे ऋग्वेदिक देवता हैं, जैसे कि उनकी सामान्य संख्या है 33, वर्तमान में हम कहते हैं ना 33 करोड़ देवी देवता, तो करोड़ शब्द हटा के आपको केवल 33 याद रखना है कि वेदों में देवताओं की संख्या 33 मानी गई है। और जितने भी देवता हैं उनकी स्तुतियां, उनकी उपासना, उन सबका वर्णन ऋग्वेद की विषय वस्तु है। इसी कारण हमने इंद्र सूक्त, अग्नि सूक्त पढ़ा, उसमें भी किसी ना किसी विशिष्ट ऋषि द्वारा देवताओं की स्तुति ही की गई थी। तो ऋग्वेद की विषय वस्तु हो जाएगी देवताओं के स्तुति परक मंत्र। सेकंड नंबर पर लिखा है यजुर्वेद। देखिए, य से यजुर्वेद, यहीं से हम याद करेंगे कि य से कौन, यज्ञ और कर्मकांड। यज्ञ शब्द का तात्पर्य सभी को पता है, कर्मकांड के बारे में हम नहीं जानते हैं। देखिए, कर्मकांड क्या है, जितनी भी पूजा पाठ है, चाहे वह विवाह के फेरे लेते समय बोले गए मंत्र हो, चाहे किसी घर का जो मुहूर्त करते हैं हम लोग, जिसको कि नांगल कहते हैं, किसी घर का, किसी शॉप का, किसी भी भवन का उद्घाटन हम जब करते हैं, तो उस समय जितने मंत्र बोले जाते हैं वो, या फिर यज्ञोपवीत के समय, यज्ञोपवीत जो संस्कार है उसके समय अग्नि प्रज्वलित करके जितने भी मंत्र हम बोलते हैं, अथवा श्राद्ध करते समय, जितने भी तर्पण करते समय हम जो यज्ञ करवाएंगे, उस यज्ञ में जितने मंत्र हम बोलेंगे, अर्थात कहीं भी किसी भी प्रकार का पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, आहुतियां, जितनी भी वैदिक क्रियाएं हैं जो कि यज्ञ से संबंधित हैं, उन सबको सम्मिलित रूप से हम कर्म कांड कहते हैं। तो याद रखिएगा, पूजा पाठ से संबंधित यज्ञ और कर्म कांड का समावेश यजुर्वेद में किया गया है। तो य से यजुर्वेद और य से यज्ञ और कर्मकांड, इस तरीके से आप याद करेंगे। तीसरी बात है सामवेद। सामवेद के मोटे ग्रंथ में क्या लिखा है, सामवेद की विषय वस्तु क्या है? तो हम याद करेंगे कि ऋग्वेद के मंत्र, ऋग्वेद के ही मंत्र जब विशिष्ट रूप से गाए जाते हैं तो वह सामवेद की विषय वस्तु बन जाते हैं। अर्थात सामवेद अलग से कोई वेद नहीं है, सामवेद में कम से कम 70% जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। अर्थात ऋग्वेद के मंत्रों को जब विशिष्ट पद्धति से गाया जाता है तो वो सभी सामवेद की विषय वस्तु बन जाते हैं। यदि परीक्षा में हमसे पूछा जाए कि सामवेद में किस वेद के मंत्र निहित हैं, तो हमें याद रखना है कि सामवेद में तो ऋग्वेद के मंत्र हैं, सामवेद के 70% मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, ऋग्वेद से उद्धृत किए गए हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे कि ऋग्वेद के मंत्रों को ही सामवेद में गाया जाता है, तथा इसके पश्चात मैंने कहा 70% मंत्र हमने ले लिए हैं, तो यहाँ हम 20% मंत्रों की बात कर रहे हैं कि यहाँ हम इसकी विषय वस्तु के अंतर्गत पढ़ेंगे सोम याग, अर्थात सोम देवता से संबंधित यज्ञ। इसके पश्चात हम बात करेंगे अथर्ववेद, अर्थात अथर्ववेद की विषय वस्तु क्या है। देखिए, अथर्ववेद हमारा वेद त्रय में सम्मिलित नहीं था, अथर्ववेद इहलौकिक वेद है। तो अथर्ववेद की विषय वस्तु में क्या है, देखिए, मारण, सम्मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, भेषज, अर्थात औषधियों का वर्णन, इन सभी का वर्णन हमें कहाँ प्राप्त होता है, अथर्ववेद में। यदि किसी व्यक्ति को हमें मारना है तो जितना भी काला जादू या जादू टोना है उन सभी की विस्तृत विषय वस्तु भी कहाँ निहित है, अथर्ववेद में। तो ये हो गई प्रत्येक वेद के अंदर क्या लिखा हुआ है या वेद का प्रतिपाद्य विषय क्या है।
सामान्यतया सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि यज्ञ और कर्मकांड प्रधान वेद कौन सा है। कर्मकांडः कस्मिन् निहितः, कर्मकांड किस वेद में निहित है, यह हमसे पूछा जाता है। वशीकरण, सम्मोहन, मारण, मोहन, उच्चाटन इति कस्य वेदस्य विषय वस्तु, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद। कई बार पूछा जाता है देवता नाम स्तुति या देवता नाम स्तुति परक मंत्राहा कुत्र विधीयते, कहां पर लिखे गए हैं, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कौन, ऋग्वेद। तो देखिए ये थे वेद एवं उनकी विषय वस्तु। इसके पश्चात हम बात करेंगे वेद एवं ऋत्विक। वेद एवं ऋत्विक, किस वेद का ऋत्विक कौन है। अब देखिए सामान्यतया छात्रों के लिए एक समस्या है कि ऋत्विक किसे कहते हैं। ऋत्विक वह व्यक्ति है जो कि वेदों के मंत्रों का उच्चारण करेगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पंडित जो कि उस वेद के मंत्रों का उच्चारण करेगा उसे ऋत्विक कहा जाता है। तो परीक्षा में एक प्रश्न संभवतया पूछा ही जाता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद अथवा अथर्ववेद का ऋत्विक कौन है। तो उसी प्रकार से हम लोग विषय वस्तु को लिखेंगे। सबसे पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद, किस वेद का ऋत्विक कौन है, इसकी हम यहां बात करने वाले हैं। ऋत्विक वह व्यक्ति है जो कि वेद के मंत्रों को पढ़ता है। तो देखिए ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाला या ऋग्वेद के मंत्रों का एक्सपर्ट कौन है, उसकी हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो ऋग्वेद के मंत्रों का जो एक्सपर्ट है उसे कहते हैं होता। यजुर्वेद के मंत्रों को पढ़ने में जो पारंगत है या फिर यजुर्वेद के मंत्रों का जो एक्सपर्ट है उसे कहेंगे अध्वर्यु। सामवेद के मंत्रों को पढ़ने में जो कुशल है, जो विशिष्ट है, उस ऋत्विक को कहेंगे उद्गाता। तथा अथर्ववेद के मंत्रों को जो पढ़ता है उसे कहते हैं ब्रह्मा। कई बार हमसे पूछा जाता है अध्वर्यु उद्गाता, अध्वर्यु के बारे में कि अध्वर्यु नामक ऋत्विक केन वेदेन सह संबद्ध, अध्वर्यु नामक ऋत्विक किस वेद से संबंधित है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद। कई बार परीक्षाओं में हमसे कॉलम को मिलाने को कहा जाता है, सुमेलित कीजिए, इधर होंगे आपके वेद, इधर होंगे ऋत्विक, लेकिन उनका क्रम बदल दिया जाएगा, तो आपको सही क्रम छांटना है। देखिए हम यहाँ हाथों हाथ ही याद कर रहे हैं, वेदों का जो क्रम है वो इसी प्रकार याद करना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद, ये क्रम इसी प्रकार से आप याद करेंगे। इसके पश्चात आपको ऋत्विक को एक साथ याद करना है, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। एक साथ मेरे साथ भी बोलें आप लोग, जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे साथ, वो एक साथ रिपीट करेंगे, होता, अध्वर्यु, उद्गाता एवं ब्रह्मा, ये चारों ऋत्विक किसके हैं, चारों वेदों के हैं। यदि हमसे किसी परीक्षा में पूछा जाए कि ऐसा कौन सा ऋत्विक है जो कि चारों वेदों को, चारों वेदों के मंत्रों को पढ़ने में कुशल या पारंगत है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो ब्रह्मा नामक ऋत्विक है ये चारों वेदों के मंत्रों को पढ़ने की शक्ति रखता है या सामर्थ्य रखता है। तो यदि पूछा जाए कि चारों वेदों का ऋत्विक कौन है, तो सही उत्तर हो जाएगा कि चारों वेदों का ऋत्विक कौन है, आपका ब्रह्मा। इसके पश्चात हम बात करेंगे वेद एवं प्रकृति। किस वेद की प्रकृति कैसी है, अर्थात कौन सा वेद किस प्रकार का है, किस वेद की प्रकृति कैसी है, हम यहां बात करेंगे उसी प्रकार से, चारों वेदों के नाम लिख देंगे।
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। चलिए, ऋग्वेद की प्रकृति कैसी है, अर्थात ऋग्वेद गद्यात्मक है, पद्यात्मक है या चंपू काव्यात्मक है। देखिए, गद्यात्मक किसे कहेंगे, थोड़ी सी विषय वस्तु क्लियर कर लेते हैं। गद्यात्मक वो है जिसमें क्या होते हैं, जिसमें गेयता अथवा छंदों की बाध्यता नहीं हो, जिसमें गेयता नहीं हो एवं छंदों की बाध्यता नहीं हो, उसको कहेंगे हम गद्य। जैसे कहा गया है ना, वृत्त बंधोज्जितम गद्यम, गद्य तो वह है जिसमें की वृत्त अर्थात छंदों की बाध्यता न हो। इसके पश्चात हम बात करेंगे पद्य क्या है। आपने सुना होगा कि छंदोबद्धम पद्यम, छंदोबद्धम पद्यम अर्थात जो छंदों में निबद्ध है वह कौन है, पद्य है। और ऐसी रचना जिसमें कि गद्य और पद्य दोनों का समावेश है उसे सामान्यतया हम कहेंगे चंपू काव्य। तो देखते हैं कि हमारे जो चारों वेद हैं उनकी प्रकृति गद्यात्मक है, पद्यात्मक है अर्थात चंपू काव्यात्मक है। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर हम कौन सा वेद किस प्रकार का है। तो इसके पश्चात देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद में देखिए, ऋग्वेद की विषय वस्तु के आधार पर निर्धारण करेंगे। ऋग्वेद की विषय वस्तु में है देवताओं के स्तुति परक मंत्र, और मंत्रों को तो गाया जाता है। जिस विषय वस्तु में गेयता हो अथवा जिसे गाया जाए उसे तो क्या कहा जाएगा, जिसे गाया जाए उसे तो कहा जाएगा पद्य। तो हमारा ऋग्वेद जो है वो पद्यात्मक वेद है। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद कैसा है, पद्यात्मक, क्योंकि उसमें देवताओं के स्तुति परक मंत्र हैं। अब हम बात करें यजुर्वेद की। यजुर्वेद की विषय वस्तु थी यज्ञ और कर्मकांड। तो कौन सा यज्ञ कब करना है, किस तिथि को करना है, किस यज्ञ में कितनी हवि, कितनी संविधाएं, कितने मंत्र लगेंगे, किस यज्ञ को करने से क्या परिणाम की प्राप्ति होगी, यदि इस प्रकार की विषय वस्तु होगी तो उसे सामान्यतया गद्य में लिखा जाएगा, श्लोकों में नहीं लिखा जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं कि अपना जो यजुर्वेद है वो गद्यात्मक है। इससे संबंधित हमें गद्यात्मको यजु, गद्यात्मको यजुहु यह कथन भी प्राप्त होता है, और यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे अच्छे से याद करेंगे कि गद्यात्मक वेद कह, गद्यात्मक वेद कौन सा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि गद्यात्मक वेद तो कौन है, यजुर्वेद है। इसके पश्चात हम बात करेंगे कि सामवेद किस प्रकृति का है। देखिए, हमने विषय वस्तु के अंतर्गत पढ़ा था कि ऋग्वेद के मंत्रों को जब विशिष्ट पद्धति से गाया जाता है तो वह सामवेद की विषय वस्तु बन जाती है। तो हम कहेंगे कि ऋग्वेद के मंत्रों को यदि हम गाएंगे तो सामवेद बन जाएंगे। ऋग्वेद यदि पद्यात्मक है और ऋग्वेद के ही मंत्र यदि सामवेद में है तो निसंदेह सामवेद भी पद्यात्मक वेद कहलाएगा। सामवेद भी कैसा होगा, पद्यात्मक ही होगा, क्योंकि इसमें भी मंत्रों का ही समावेश है। इसके पश्चात हम देखेंगे कि अथर्ववेद की विषय वस्तु क्या थी, उसके अनुसार अथर्ववेद कैसा होगा। देखिए, अथर्ववेद की विषय वस्तु में सम्मोहन, मारण, उच्चाटन, वशीकरण एवं विभिन्न औषधियों का वर्णन था। तो देखिए, उसमें औषधियां भी वर्णित है, कुछ मंत्र भी हैं, जैसे कि आपने देखा होगा पृथ्वी की स्तुति से संबंधित मही सूक्त अथवा पृथ्वी सूक्त भी कहां पर है, अथर्व वेद में है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा का, पृथ्वी की स्तुति किस वेद में की गई है अथवा पृथ्वी की स्तुति से संबंधित वेद कौन सा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि पृथ्वी की स्तुति कहाँ की गई है, अथर्व वेद में। तो देखिए, अथर्व वेद में स्तुतियां भी की गई है तथा सम्मोहन, मारण, वशीकरण, उच्चाटन एवं औषधियों का वर्णन भी है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा अथर्ववेद गद्य पद्यात्मक अथवा चंपू शैली में लिखा गया वेद है। अति महत्वपूर्ण
जानकारियों का समावेश हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। प्रत्येक छात्र याद करें, ऋग्वेद पद्यात्मक है, अर्थात ऋग्वेद में देवताओं के स्तुति परक मंत्र हैं। यजुर्वेद गद्यात्मक है क्योंकि इसमें यज्ञ और कर्मकांड समाहित है। सामवेद पद्यात्मक है क्योंकि सामवेद में ऋग्वेद के ही मंत्रों का संकलन है। इसके पश्चात हम देखेंगे हमारा जो अथर्ववेद है वो गद्य पद्यात्मक है, अर्थात वह चंपू शैली में लिखा गया है। इसके पश्चात हम बात करेंगे किस वेद का उपवेद कौन सा है। कॉलम उसी प्रकार बनाएंगे हम लोग, वेद एवं उपवेद, वेद एवं उपवेद। देखिए वेद में हम उसी प्रकार वेदों के नाम लिख देंगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। किस वेद का उपवेद कौन सा है? तो देखिए ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद है घानवेद अथवा गंधर्व वेद। गानवेद अथवा गंधर्व वेद। अथर्व वेद की विषय वस्तु में कम से कम 6 उपवेद हैं। देखिए इन 6 उपवेदों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको 3 जो वेद एवं उपवेद हैं उनको कंठस्थ करवा के याद कर देती हूँ। देखिए ऋग्वेद बहुत पुराना है, ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद बहुत पुराना है। तो हमारा जो आयुर्वेद है, या फिर हम कहते हैं कि जो हमारा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, आयुर्वेदिक जो औषधियां हैं, वो भी कैसी हैं? बहुत पुरानी हैं। तो हमें याद रखना है कि ऋग्वेद बहुत पुराना वेद है, तो हमारा आयुर्वेदिक औषधियां या आयुर्वेद भी कैसा वेद है? बहुत पुराना या प्राचीनतम वेद है। इसी प्रकार देखिए यजुर्वेद, यजुर्वेद का जो साउंड है वह आपका धनुर्वेद से मिलता है। तो आप याद करेंगे कि यजुर्वेद का उपवेद हो गया धनुर्वेद, दोनों का साउंड सेम है, यजुर्वेद धनुर्वेद। इसके पश्चात हम बात करेंगे सामवेद का उपवेद कौन सा है। देखिए ऋग्वेद के मंत्रों को जब विशिष्ट पद्धति से गाया जाता है तो वो सामवेद बन जाते हैं। तो देखिए सामवेद में केवल गेयात्मकता एवं गान प्रधानता है, अर्थात यहाँ मंत्रों को विशिष्ट पद्धति से गाया गया है। तो गाने के कारण ही सामवेद का उपवेद हो गया गानवेद, अर्थात गाने वाला वेद। इसके साथ ही हम बात करेंगे गंधर्व वेद। गंधर्व एक जाति थी जो कि वेदों के समय में जितने भी देवता थे उनके मनोरंजन का कार्य करती थी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जितने भी वैदिक देवता या वैदिक आर्य थे उनके लिए गाने बजाने का कार्य जो जाति करती थी उस जाति को गंधर्व जाति कहते हैं, और वो गंधर्व जाति गाती थी। अतः गाने वाला वेद तो अपना कौन हो जाएगा? सामवेद हो जाएगा। तो देखिए ऋग्वेद प्राचीनतम तो आयुर्वेद प्राचीनतम, यजुर्वेद का साउंड और धनुर्वेद का साउंड अर्थात जो शाब्दिक शब्दावली है वो सेम है। तो यजुर्वेद धनुर्वेद, सामवेद क्या करता है? गाता है, तो गानवेद। और गाने वाली जाति जो थी गंधर्व जाति, तो हम याद कर देंगे गंधर्व वेद। इसके पश्चात हम बात करेंगे अथर्वेद की। अथर्वेद के उपवेद हैं कुल 6। अथर्वेद के उपवेदों की कुल संख्या कितनी है? 6 है। 6 में से आपको याद रखना है कि 3 तो आपको डराते हैं, 3 तो आपको क्या करते हैं? डराते हैं, और 3 जो है उसे हम पढ़ते हैं। इस प्रकार से याद करेंगे तो विषय वस्तु आपको सरल लगेगी, बोझिल नहीं लगेगी। देखिए संपूर्ण अथर्ववेद में 6 उपवेद हैं, 3 तो हमें डराते हैं और 3 वो हैं जिसको हम पढ़ते हैं। देखिए हमें डराते कौन हैं? हमें डराते हैं सर्प,
पिशाच एवं असुर, सर्प पिशाच एवं असुर। तो सर्प वेद, पिशाच वेद एवं असुर वेद, ये अथर्व वेद के उपवेद हैं। तीन वो हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं। पढ़ने में आएंगे इतिहास, पुराण एवं स्थापत्य। देखिए इतिहास अथवा हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं, पुराण हमारी लौकिक साहित्य के अंतर्गत है जिन्हें हमें पढ़ना होता है, और स्थापत्य कला से संबंधित ग्रंथों को भी हम पढ़ते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अथर्ववेद के कुल 6 उपवेद हैं, जिसमें 3 तो हम पढ़ते हैं और 3 से हम डरते हैं। तो इस प्रकार ये संपूर्ण विषय वस्तु हो गई आपके वेद एवं उपवेद की। तो फिर से हम याद करेंगे, ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गानवेद या गंधर्व वेद, तथा अथर्ववेद में 6 कुल हैं जिनसे 3 से हम डरते हैं और 3 को हम पढ़ते हैं। डरने वालों में सर्प पिशाच असुर, तथा पढ़ने वालों में इतिहास पुराण एवं स्थापत्य कला की हम बात करते हैं। तो यह थी आपकी वेद एवं वेदों से संबंधित उपवेदों की विषय वस्तु। इसके पश्चात हम बात करेंगे वेद एवं उनसे संबंधित शिक्षाएं। देखिए प्रत्येक पंक्ति जो मैं यहां लिख रही हूं वो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। मेरा पूरा प्रयास है कि मैं मेरी क्लास में ही छात्रों को याद करवा दूं, तो आप मेरे साथ निरंतर बने रहिए। हम इस बार सरकारी शिक्षक बनकर ही रहेंगे। देखिए हम बात कर रहे हैं पुनः उसी प्रकार से, वेद अर्थात चारों वेद हमें लिखने हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। ऋग्वेद की शिक्षा, अच्छा शिक्षा क्या चीज है उसके बारे में पहले बता दूं मैं, जो हमारे 6 वेदांग हैं, ध्यान है ना, 6 वेदांग कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। तो देखिए जो पहला अपना वेदांग है शिक्षा, उस वेदांग के अंतर्गत क्या विषय वस्तु है उसकी पहले बात करते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं शिक्षा वेदांग की। शिक्षा वेदांग अर्थात वेदों का एक अंग है, ये वेदों का एक अंग है। और वेदांग में ये लिखा है कि वेदों को किस प्रकार पढ़ना है, वेदों को किस प्रकार पढ़ना है, यानी कि वेदों की संपूर्ण विषय वस्तु का अध्ययन हम किस प्रकार से करें, वेदों को हम कैसे पढ़ सकते हैं, वेदों का, वेदों के मंत्रों का उच्चारण किस प्रकार करेंगे, यह बताएगा शिक्षा नामक वेदांग के। वेदों के मंत्रों को हमें उच्चारण कैसे करना है, तो इस प्रकार वेद मंत्रों का उच्चारण की शिक्षा देने वाला वेदांग हो जाएगा शिक्षा वेदांग। तो ऋग्वेद के मंत्रों को किस प्रकार पढ़ना है वो बताएगा ऋग्वेद की शिक्षा। इसी प्रकार यजुर्वेद के मंत्रों का या यजुर्वेद में जो विषय वस्तु है उसका उच्चारण कैसे होगा, उसकी विषय वस्तु को कैसे बोला जाएगा, ये बताएगा यजुर्वेद की शिक्षा। इसी प्रकार सामवेद में जो मंत्र निहित हैं उनका उच्चारण अर्थात गान कैसे होगा, ये बताएगी हमें सामवेद की शिक्षा। इसी प्रकार अथर्व वेद में निहित विषय वस्तु को किस प्रकार उच्चारित करें, तो उच्चारित करने का प्रकार जो बताएगा वह कहलाएगा आपका शिक्षा नामक वेदांग। उच्चारण प्रकार यह शिक्षते सा शिक्षा, ऐसा उल्लेख आपको शिक्षा वेदांग में प्राप्त होता है। अर्थात शिक्षा वेदांग हमें उच्चारण प्रकार सिखाता है कि किसी वेद का उच्चारण हमें किस प्रकार से करना है। चलिए हम बात करेंगे कि ऋग्वेद की शिक्षा कौन सी है। ऋग्वेद की शिक्षा है पाणिनीय शिक्षा, ऋग्वेद की शिक्षा है पाणिनीय शिक्षा। देखिए ऋग्वेद बहुत पुराना, तो हमारे प्राचीनतम व्याकरण कौन है, पाणिनी। ऋग्वेद बहुत पुराना, उधर से हमारा कौन,
पाणिनि बहुत पुराने, तो ऋग्वेद की पाणिनीय शिक्षा, यजुर्वेद। यजुर्वेद के भी मुख्यतया दो भाग हैं, यजुर्वेद के भी मुख्यतया दो भाग हैं। अब हम बात करें शुक्ल यजुर्वेद की और कृष्ण यजुर्वेद की। देखिए शुक्ल यजुर्वेद की कौन सी शिक्षा है और कृष्ण यजुर्वेद की कौन सी शिक्षा है, पृथक पृथक रूप से परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए शुक्ल यजुर्वेद की शिक्षा ग्रंथ का नाम है याज्ञवल्क्य शिक्षा। एक कॉमन सी बात आपको बता दूं, याज्ञवल्क्य ऋषि का संबंध किस वेद से है, तो सदैव यजुर्वेद से ही होगा। ध्यान दीजिएगा, कभी भी सामान्यतया परीक्षा में पूछ लिया जाए कि याज्ञवल्क्य ऋषि का संबंध किस वेद से है, तो याज्ञवल्क्य का संबंध है यजुर्वेद से। और यजुर्वेद में भी कोई भाग यदि पूछा जाए तो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित ऋषि कौन है, याज्ञवल्क्य है। तो याज्ञवल्क्य की शिक्षा हो जाएगी शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित। उसी प्रकार कृष्ण यजुर्वेद की शिक्षा ग्रंथ हो जाएगा व्यास शिक्षा। कृष्ण यजुर्वेद की व्यास शिक्षा, ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद बहुत पुराना तो पाणिनि बहुत पुराने, ऋग्वेद की पाणिनि शिक्षा, शुक्ल यजुर्वेद की याज्ञवल्क्य शिक्षा तथा कृष्ण यजुर्वेद की व्यास शिक्षा। अब आया सामवेद। सामवेद की शिक्षा ग्रंथ का नाम है नारदीय शिक्षा। ध्यान दीजिएगा, सामवेद का शिक्षा ग्रंथ है नारदीय शिक्षा। देखिए नारद गाते थे, नारद गाने बजाने का कार्य करते थे, तो सामवेद भी गाने बजाने का ही कार्य करता है। तो सामवेद के शिक्षा ग्रंथ का नाम हो जाएगा नारदीय शिक्षा। देखिए सामवेद, सबसे पहले हमने विषय वस्तु पढ़ी थी, ऋग्वेद के मंत्रों को जब विशिष्ट पद्धति से गाया जाता है तो वो संपूर्ण विषय वस्तु किसकी बन जाती है, सामवेद की। फिर हमने उपवेदों की बात की थी, उपवेदों के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि जितना भी गान वेद या गंधर्व है वो सभी कौन है, सामवेद है। तो हम यहाँ बात करेंगे कि गाने से संबंधित जितना भी मटेरियल है वो सामवेद में जाएगा, और नारद भी सामान्यतया गाते थे, तो नारद की शिक्षा हो जाएगी सामवेद से संबंधित। इस प्रकार हम बात करेंगे अथर्ववेद का शिक्षा ग्रंथ कौन सा है, अथर्ववेद की शिक्षा हो जाएगी मांडुकीय शिक्षा। मांडुकीय शिक्षा, देखिए मुंडकोपनिषद यह उपनिषद अथर्ववेद में माना जाता है। यदि आपसे उपनिषद की चर्चा की जाए और पूछा जाए कि मुंडकोपनिषद कहाँ है, तो मुंडकोपनिषद आएगा अथर्ववेद में। इस प्रकार मुंडकोपनिषद से संबंधित मांडुकीय शिक्षा भी आपकी अथर्ववेद में आएगी। तो चलिए फिर से रिवाइज कर लें, ऋग्वेद बहुत पुराना तो पाणिनि बहुत पुराने, ऋग्वेद की पाणिनि शिक्षा, शुक्ल यजुर्वेद की याज्ञवल्क्य शिक्षा, कृष्ण यजुर्वेद की व्यास शिक्षा, सामवेद की नारदीय शिक्षा एवं अथर्ववेद की मांडुकीय शिक्षा हो जाएगी। तो ये है, ये थे हमारे प्रमुख वेद एवं उनसे संबंधित शिक्षा ग्रंथ, वेद एवं उससे संबंधित उपवेद, वेद एवं उससे संबंधित विषय वस्तु। तो देखिए वेदों से संबंधित जितनी भी प्राथमिक जानकारी है वो इस वीडियो के माध्यम से मैंने देने का प्रयास किया है, और यहाँ जितनी भी कंटेंट मैं लेकर आई हूँ हर कंटेंट अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं चाहती हूँ कि संस्कृत शिक्षक बनने का स्वप्न देखने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को मुझसे जुड़ना चाहिए एवं मेरे साथ मिलकर आप तैयारी करें। इस बार आपके सपने साकार करने में मेरी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसी कथन के साथ मैं डॉक्टर भावना शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एवं संपूर्ण वैदिक साहित्य को सीरीज के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम्।